हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर का डिज़ाइन। ये देखिए, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकती हैं, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के स्वेटर में, बच्चों की फ्रॉक में, शॉल में, स्टॉल में अप्लाई कर सकती हैं। ये बनकर बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए, आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो 10 के मल्टीपल से होंगे, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे। और फ्रेंड, आपने इसके फंदे जो रखने हैं वो आप अपने हिसाब से रखेंगे, जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। आपने उसमें जितने भी फंदे लेने हों उसमें से 5 फंदे माइनस करके आप फंदे रखेंगे और मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। जैसे कि आपको अगर 50 फंदे चाहिए होंगे तो उसमें से आप 5 फंदे माइनस करेंगे तो आपके पास 45 फंदे आएंगे, और उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आपके पास 90 फंदे आएंगे, और 90 फंदे आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास फिर से 50 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, और ये जो डिज़ाइन है ये 2 रॉ का डिज़ाइन है। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम 10 के मल्टीपल से 50 फंदे डालेंगे, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फंदे डालना स्टार्ट करेंगे। डबल सिलाई पर हमें फंदे डालने हैं। ये देखिए, डबल सिलाई लेनी है फंदे डालने के लिए, और सिंगल धागे से फंदे डालेंगे। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये देखिए, ऐसे ही हम यहाँ पर 52 फंदे डाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 52 फंदे डाल लिए हैं। और ये देखिए, ये वाली सिलाई हम ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है। तो पहला फंदा हम इसका, ये देखिए, सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, इसको वापस से नीडल पर लेकर जाएंगे और इसके ऊपर से 9 फंदे हम ड्रॉप करेंगे। ये देखिए, इस एक फंदे के ऊपर से 9 फंदे ड्रॉप करेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए, 9 फंदे हमने ऊपर से ड्रॉप कर लिए। ये एक फंदा वापस से राइट नीडल पर लेकर जाएंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसे ही आगे रिपीट करेंगे। इसमें देखिए, एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर 9 फंदे इसके ऊपर से ड्रॉप किए हैं। टोटल हमारे 10 फंदे हो गए हैं। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, 9 फंदे ड्रॉप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
इस फंदे को राइट नीडल पर वापस लेकर आएंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, 9 फंदे ऊपर से ड्रॉप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वापस से राइट नीडल पर लेकर आएंगे। फिर से पैटर्न रिपीट करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, 9 फंदे ऊपर से ड्रॉप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राइट नीडल पर शिफ्ट करेंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, 9 फंदे ड्रॉप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वापस से लेफ्ट नीडल पर लेकर जाएंगे, एंड का फंदा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए हमारी फर्स्ट रो राइट साइड कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो है रॉन्ग साइड। देखिए इस रो में ये वाला फंदा, इसको चाहिए आप ऐसे ही उतार लीजिए, चाहे आप इसे बुनकर ले लीजिए, इसको हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 फंदे और इसमें ऐड करने हैं। देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4 ये वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 4 फंदे ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4 सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4 सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड का फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है और हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम हमारा पैटर्न जो भी आप डालना चाहें वो स्टार्ट कर सकती हैं। मैं ये इस सारी रो को ऐसे सीधा सीधा बना लूँगी, सीधे फंदों के साथ इसको बना लेंगे और रॉन्ग साइड इसकी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये इसकी थर्ड रो है, थर्ड रो से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा ऊपर जो भी आप डालना चाहते हैं।
ये देखिए ये हमने सीधे सीधे फंदों के साथ बना ली है। अब इस सारी रो को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी सेकंड रो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है और देखिए ये बनकर इस तरह से दिखने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर अब हमारे पास हम जो फंदे रह गए हैं बाकी वो आपको काउंट करके बताते हैं कितने रह गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 31 फंदे रह गए हैं। तो आपने अपने जब भी किसी भी प्रोजेक्ट में ये वाले फंदे डालने होंगे तो आप इस हिसाब से फंदे डालेंगे कि जैसे आपको 31 फंदे चाहिए होंगे तो आपने उसमें से 5 फंदे माइनस कर देने हैं तो आपके पास बचेंगे 26 फंदे। 26 फंदों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 52 फंदे आएंगे। तो 52 फंदे अगर आप डालेंगे तो आपके पास फिर से 31 फंदे हो जाएंगे। ऐसे ही जितने भी आपने फंदे डालने हों उसमें से आप 5 फंदे माइनस करेंगे। जैसे आपने 50 फंदे डालने हैं तो 5 फंदे माइनस करके आपके पास 45 फंदे आएंगे। 45 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 90 फंदे आएंगे। 90 फंदे अगर आप डालेंगे तो ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके पास फिर से 50 फंदे रह जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड बनकर ये इस तरह से दिखेगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है फ्रेंड, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड।